नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चक्रवाती तूफान आसनी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट तक पहुंचने के अनुमान के साथ ही प्रशासन द्वीप समूह में स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहा है। इसी के तहत बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण इलाकों में मौजूद भारतीय तटरक्षक बल ने सभी नाविकों और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दे दी है। सियालकोट में कैंट एरिया में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और आग भी लगी है। धमाकों के असल वजह के बारे में भी फिलहाल ठोस जानकारी निकल करके तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जहां धमाके हुए वहां गोला बारूद स्टोर करके रखे जाते थे। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को वेटिकन में संविधान के अभूतपूर्व बदलाव का ऐलान किया है। नए संविधान के तहत बपतिस्मा एक ईसाई संस्कार करा चुका कोई भी कैथोलिक, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, वेटिकन के केंद्रीय प्रशासन के ज्यादातर विभागों का नेतृत्व कर सकेगा। विश्वभर के कई देश में कोरोना के मामले एक बार फिर चढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बीच क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर के प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट और पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर टी जैकब जॉन ने शनिवार को कहा है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है। उत्तराखंड में भाजपा CM पद की जिम्मेदारी किसे देगी, ये सवाल सभी के मन में है, लेकिन अभी भी इस राज पर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को अचानक दिल्ली बुलाया गया है। दोनों चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शुक्रवार को अचानक पार्टी आलाकमान ने दिल्ली जाने के लिए बुलावा भेजा था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसके बदले अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों के रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तक चीन, जो रूस पर लगे प्रतिबंध का विरोध करता आ रहा था, वो भी अब चुपचाप मॉस्को से दूरी बनाता दिख रहा है। अमेरिका में मौजूद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्टेंट ने वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी कर दी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे अधिक है और वो 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले शरद यादव अब लालू यादव के साथ शुरू हुई उनकी 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी खत्म हो गई है। दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी LJD का राजद में विलय कर दिया है। इस मौके पर शरद यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को ताजा अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस को 1761 नए मामले सामने आए हैं और मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 127 लोगों की जान भी गई है। देश में वर्तमान में रिकवरी रेट 98.73% है, यानी कि 4,24,65,122 है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हैप्पीनेस से जुड़ी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि संभव है कि जल्दी ही भारत घृणा और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भूख की सूची में 101वां स्थान, स्वतंत्रता की सूची में 119वां स्थान, प्रसन्नता की सूची में 136वां स्थान, परंतु हम जल्द ही घृणा और आक्रोश के चार्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 25वां दिन है। रूसी सेना द्वारा किए गए हमलों के चलते यूक्रेन तबाह हो गया है, बड़े बड़े कारखाने नष्ट हो गए हैं। हमले की जद में यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी आया है। रूसी हमले के चलते यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल बर्बाद हो गया है। इस शहर को रूसी सेना ने घेर लिया है। मारियोपोल स्थित यूरोप का सबसे बड़ा लौह और इस्पात प्लांट ओजेवस्टल नष्ट हो गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक रिपब्लिकन सदस्य टेड बड ने कांग्रेस को एक बिल प्रस्तुत किया है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को मिल रहे बीजिंग के समर्थन पर चीन के कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावना का सुझाव देता है। RT ने बताया है कि राजनेता ने इस तरह के प्रस्ताव को इस तथ्य के कारण सामने रखा है कि बीजिंग यूक्रेन में स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ मॉस्को को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुजलमीन और शिवसेना की गठबंधन की खबरों की सियासी गलियारे में हलचल है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कर दिया है कि AIMIM और शिवसेना का गठबंधन होगा या नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि शिवसेना AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करेगी। AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तुर्की मौजूदा युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में मॉस्को और कीव को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भी अपने यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार नहीं है। राजा कब रंक बन जाए ये कहा नहीं जा सकता, ये कोई नहीं जानता है। यही हुआ है अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पाइंदा के साथ। कभी पूरे मुल्क का बजट पेश करने वाले खालिद पाइंदा आज अपने ही घर का बजट नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्हें अब अपने घर को चलाने के लिए आज टैक्सी चलाना पड़ रहा है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है और राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की राजकोषीय स्थिति की चिंता नहीं है, सरकार को खुद भी नहीं है।
भारत नेपाल सीमा पर झूलाहाट में संचार सेवा होली पर्व पर लोगों को धोखा दे गई। यहाँ पिछले 14 घंटे से संचार सेवा ठप है, जिससे यहाँ के 15,000 से अधिक की आबादी खासी परेशान है। हालत ये रहे कि होली पर लोग अपनों को बधाई नहीं दे सके थे। मोबाइल के साथ ही लैंडलाइन फोन भी शोपीस बना रहा। पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख या फिर लद्दाख पुलिस ने विभिन्न ट्रेंडों में 80 फॉलोअर एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल पोर्टल police.ladakh.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हथियार व्यापार के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि भारत को हथियारों का निर्यात करने में रूस का हिस्सा पिछले 5 सालों में गिर गया है। हालांकि गिरावट के बावजूद डिफेंस थिंक टैंक के मुताबिक रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक बना हुआ है, जिसके बाद अमेरिका का स्थान आता है। सन 1962 में हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए गए ऑर्डर का विश्लेषण किया। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अगले महीने 2 अप्रैल को भारत आने की बात कही है। भारत इसराइल संबंधों को परस्पर सराहना और सार्थक सहयोग पर आधारित बताते हुए कहा है कि वो दोनों देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे। नागालैंड ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। राज्य विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। शनिवार को पूरी तरह से पेपरलेस होने के बाद राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया गया। अब नागालैंड पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक संलग्न किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए सीमा पार से जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष में गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड उछाल के बीच कृषि उपज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण देश में गेहूं के निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यूक्रेन रूस की लड़ाई के कारण वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति में व्यवधान को कम करने के लिए एजेंसियों को भारत से अनाज का निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के दबाव के आगे झुकते हुए केरल कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय की जेबी मैथर को राज्य में अपना राज्यसभा सदस्य नामित किया है। मैथर का नामांकन तब हुआ जब कई दौरे की बातचीत के बावजूद नाम पर सहमति नहीं बन सकी। अंत में 3 नामों की एक सूची पार्टी आलाकमान को भेजी गई थी। पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रस्तावित आवास का सिर्फ 17% का काम ही पूरा हुआ है। इस साल फरवरी तक केवल 1025 घरों का निर्माण आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा हुआ। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी थी। अब तक 1739 प्रवासियों को नियुक्त किया गया है। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। 9वें दिन द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त बढ़त हासिल की है। द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के 9वें दिन यानी शनिवार 19 मार्च को 24.80 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म 100 करोड़ क्लब में तो शामिल हो चुकी है, अब बस इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 141.25 करोड़ है। कर विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे में यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह पर हाल ही में छापेमारी की थी, जिसके बाद विभाग ने लगभग 224 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से रविवार को यह जानकारी दी गई। विभाग ने एक बयान में कहा है कि छापेमारी की कार्रवाई 9 मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 परिसरों पर की गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने इस साल के आखिर तक गुजरात में होने वाले चुनाव से पहले जोड़ तोड़ कर पार्टी की स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। खबर है कि भाजपा की निगाह कांग्रेस के 10 विधायकों पर लगी हुई है। भाजपा इन सभी को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल करने के फिराक में है। महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न के परिवार और पूर्व स्थायी सहित दोस्तों ने उनके गृहनगर मेलबर्न के एक निजी अंतिम संस्कार में उनके लिए भावनात्मक विदाई दी। इसमें वॉर्न के जैक्सन, ब्रुक और समर उनके माता पिता कीथ और ब्रिगेट के साथ शामिल थे, जो रविवार को अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए लगभग 80 मेहमानों में शामिल हुए थे। शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में 4 मार्च को थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जबकि वो दोस्तों के साथ छुट्टी पर थे। कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार के विधायकों को पूरी तरीके से निःशुल्क दिखाने की तैयारी है। 25 मार्च को विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए पटना स्थित सिनेपोलिस में विशेष शो आयोजित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गुरुवार को सदन में इसकी जानकारी दी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार साल 2022 की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना